स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉब न्यूज नाउ में। आज मैं आपको नेहरू युवा केंद्र संस्थान ने जो मार्च में DYC ACT और MTS के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाए थे उनके लिए एग्ज़ाम डेट जो है वो निकाल दी है, तो उसकी जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल जॉब न्यूज नाउ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिल सकें। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऑफिशियल न्यूज़ की जो अपडेट है वो मिल सके। तब मैं आपको बताती हूँ नेहरू युवा केंद्र संस्थान ने जो फॉर्म निकाले थे उनके लिए आपको क्या करना है। अपने गूगल में जाके टाइप करना है NYKS.NIC.IN, एंटर करना है। एंटर करोगे आपके पास नेहरू युवा केंद्र संगठन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। उसमें आपको जाके देखना है, ये इधर लिख रखा है एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर DYC ACT और MTS, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये इसने दे रखा है एग्ज़ाम शेड्यूल सेकंड ब्रांच रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ DYC ACT एंड MTS। ठीक है, 30 अप्रैल इंटू शिफ्ट 12 PM to 2 PM, 4 PM to 6 PM। ACT की 30 अप्रैल इन वन शिफ्ट 8 AM to 10 AM। MTS की 15 May 3 shift 8 AM to 10 AM, 12 noon to 2 PM और 4 PM to 6 PM। ठीक है, गाइडलाइंस जो है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, गाइडलाइन जो है वो दे रखी है आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये गाइडलाइन के और ये जो नोटिफिकेशन है इनके लिंक मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूँगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो एग्ज़ाम शेड्यूल है इसके अकॉर्डिंग आपने जो भी अपने वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रखा है उसके लिए आप अपनी जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।